हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है यूनेस्को का क्या इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज क्या होता है मैं आपको फटाफट से बताऊंगा, एंड देन इंडिया के कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं उसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे। देखो, इंटेंजिबल पहले जो चीज़ क्या है, जैसे जनरली जिसको ऐसे छुआ नहीं जा सकता, और लेकिन ट्रेडिशन की बात हो रही है, एक ऐसी चीज़ जो कि कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी हेरिटेज है, हमारी धरोहर है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये क्यूजीन, ऐसे खाने की चीज़ें, इनको यूएन ने 2001 के बाद क्या करके ह्यूमन ट्रेजर्स कहना शुरू कर दिया, कि ये जो मैनकाइंड के कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है। एंड जैसे अगर हम यूनेस्को की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं, तो उन्होंने जैसे क्या बोला हुआ है कि ऐसा होना चाहिए कि ना, वो ट्रेडिशनल तो होना चाहिए लेकिन कंटेम्प्रेरी भी, कि आज भी वो जिंदा होना चाहिए, लिविंग एट द सेम टाइम, इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब जनरली कि सभी के सभी लोग उसको अपना कल्चर मानते हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ किसी एक क्लास का कल्चर है, एक जगह का कल्चर है, उसको बहुत मेजोरिटी ऑफ द रीजन उसको अपना कल्चर मानता हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव भी मानता हो, कम्युनिटी को वो प्रमोट करता हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको बस ब्रॉड से बता रहा हूँ, कभी भी पूछ सकते हैं बुरे वक्त में, आपको शायद हेल्प करें। एंड वैसे ये कहाँ कहाँ देखा जाता है ये हमारा कल्चर, ये वाला ओरल ट्रेडिशंस में, बहुत सारे जो गाने वगैरह गा रहे हैं लैंग्वेज में, है ना, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, ये बहुत जगह पर देखा जाता है ये ऐसे। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडियन कल्चरल हेरिटेज जिसको यूनेस्को रिकग्नाइज करता है, कितने हैं ये फटाफट से देख लीजिए, ये 13 हैं, 13 13 ऐसी चीज़ें हैं जो कल्चरल हेरिटेज का पार्ट हैं, जो यूनेस्को की जो एक लिस्ट है कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें 13 इंडियन चीजें एग्जिस्ट करती हैं। भारत सरकार ने किसको, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसको, संगीत नाटक अकादमी जो हमारी है, संगीत नाटक अकादमी, इसको इसको बनाया हुआ है पूरा का पूरा एक पूरा इसका जिम्मेदार, कि अगर कोई चीज़ किसी को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल करना है, उसके बारे में पूरा रिसर्च करके यूनेस्को को आप भेजेंगे, एंड यूनेस्को इवैल्यूएट वगैरह करके उसको फाइनली अपने उसमें रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में डाल देगा। तो ठीक है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसको बनाया है पूरा इसका रिस्पॉन्सिबल, किसको ठहराया है, संगीत नाटक अकादमी। ये बाकी इन सब चीज़ों की हेल्प ले सकता है ये संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी, और ये अब यहाँ पर अब सरकार ने एक सरकार क्या बोलती है कि हमने एक स्कीम भी चलाई है, स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। तो ये कुछ स्कीम का भी नाम अगर आप देख लो तो शायद आपको ना कुछ सवाल क्या पता कभी कुछ सॉल्व हो जाए, तो लेकिन ये तो चलो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मैं पहले ब्रॉड लिस्ट दे रहा हूँ, देन मैं क्विकली आप सबको इनके जो 13 की 13 चीजों के बारे में बता दूंगा फटाफट से। कब ऐड हुई, शुरुआत हुई है 2008 से, जैसे वैदिक चैंटिंग, रामायण, जैसे ना जो रामलीला होती है, जो शाम को होती है दुशहरे से पहले, जो रामलीला के दिन शुरू होते हैं, जो उसका कुतियत्तम, देन रम्मान एंड मुदियेतु, कालबेलिया, छाऊ, एंड उसके बाद जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की, देन संकीर्तना मणिपुर में, एंड उसके बाद यहाँ पर एक जैसे पंजाब में पर्टिकुलरली एक जैसे ब्रास एंड कॉपर के क्राफ्ट यूटेंसिल बनाने वाले एक कम्युनिटी का नाम है ठठेराज, तो ठठेराज भी ऐड हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड देन योग ऐड हो गया, देन नवरोज के बहुत सारे तरह के नाम है, नवरोज एक फेस्टिवल आपको पता है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी, एंड कुंभ मेला बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपको प्रीलिम्स में इनके बारे में पूछ सकते हैं, बार बार पूछे गए हैं ये। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ रही है, ये देखो पर्टिकुलर किसी ऑर्डर नहीं चल रहे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसीलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हमारी चीज आ रही है वो है एक कुतियत्तम। कुतियत्तम एक संस्कृत थिएटर है केरला में, तो ये बिलोंग करता है, कुछ कुछ जो चीजें आपको याद होनी चाहिए, दैट्स इट। तो 2000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, एंड उसके बाद जो यहाँ पर आपको जो चीज़ें जाननी है कि अभी जो थिएटर की बात है, ये थिएटर है आपको पता है, और उसमें अभिनय है ना, जैसे आई एक्सप्रेशन जो नेत्र से हो रहा है, हाथों से हो रहा है ना, जेस्चर्स वगैरह से हो रहा है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ना मार्क करके साथ साथ में रखना आप। ठीक है, और जैसे जो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन थिएटर्स कॉल्ड, अब थिएटर्स के नाम लिखे हुए हैं कुत्तम पलम्स। ठीक है, तो जो ये हिंदू टेम्पल्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो अपन को जैसे लेट्स से ये चीज़ के बारे में पूछा गया ये किसके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको पता होगा किसके कौन से पर्टिकुलर एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। बाकी थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इसको रीड तो कर ही लीजिएगा, पीडीएफ अटैच कर दे रहेगा, एंड तो ये आपको ये ही चीज़ें आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट,
अभी है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, जो वैदिक चैंटिंग करते हैं, जैसे आपने जैसे होता है ना मंत्र उच्चारण बोलते हैं इसको, तो ये मंत्र उच्चारण वो कह रहे हैं कि जनरली बहुत सारी जगहों पे दे आर रिसाइटेड डेली, ठीक है। संस्कृत जो जो पर्टिकुलर में सभी वेदास में जो लिखी हुई है संस्कृत, एंड उसको जो उच्चारण किया जा रहा है मंत्र उच्चारण का वैदिक चैंटिंग, और ये ओरल लिटरेचर का पार्ट है एक तरह से, ये ऐसा ट्रेडिशन है इनटेंजिबल जो कि ओरली ट्रांसमिट हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, ठीक है। और इसमें जो वर्ड कैसे उच्चारण करना है एक एक जो चीज़ वो अनऑल्टर्ड है, प्रैक्टिशनर्स हैं तो एक बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे आपने जो जैसे टोन क्या लेकर आनी है, एक जगह पर क्या नहीं लेकर आनी है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रेडिशन, इसलिए ट्रेडिशन है, अदरवाइज जो टेक्स्ट ट्रेडिशन नहीं है, टेक्स्ट को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे आपने मंत्र उच्चारण करना है, ये चैंटिंग जो है ये ट्रेडिशन है। सिमिलरली हमारे पास एक जो चीज़ है वो है रामलीला। तो रामलीला में क्या करते हैं, आपको पता है कि परफॉर्मेंस की जाती है रामायण जो पूरी एपिक सीरीज है उसको जैसे गानों के साथ कहानी सुनाकर, है ना, डायलॉग रिसाइटल कुछ अंदर में जो रामायण में लिखी हुई है कुछ पर्टिकुलर लाइंस पढ़ दी, एंड डायलॉग कैसे जो पर्टिकुलर किसी किसी मोमेंट पे डायलॉग भी होता है, तो वो रामायण का जो जो हो रहा है पर्टिकुलर रामलीला इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट। आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पार्ट है, इंटेंजिबल कल्चर का रामलीला पार्ट है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो परफॉर्म जनरली परफॉर्म अक्रॉस नॉर्थ इंडिया दशहरा से पहले किया जाता है ना, और इसमें रामचरितमानस के बहुत सारे, जैसे रामचरितमानस वाज क्रिएटेड बाय तुलसीदास, तो यहाँ पर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना जो जो ऋषि वाल्मीकि से, तो वो कौन सी है, वो पुरानी रामायण है, तो लेकिन ये जो अभी जो रामचरितमानस है दिस इज क्रिएटेड बाय तुलसीदास। तो बहुत सारे इसमें बैटल है राम रावण की एंड एक्सेट्रा, आपको उसमें बातें पता हैं, तो ये आपको बस इंपॉर्टेंट बात क्या है ये जानना, रामलीला एग्जिस्ट करती है। देन कम्स एक इंपॉर्टेंट, एक गढ़वाली फेस्टिवल है, पहाड़ी फेस्टिवल है, इसका नाम क्या है, रमन रमान रमन जैसे मर्जी बोल दो, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर देवता भूमियाल देवता, उनकी पूजा करते हुए उनको पर्टिकुलरली उनके ऑनर में ये एक हमारा एक फेस्टिवल है, और इसका नाम है, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल भी है थिएटर भी है, दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल भी है और थिएटर भी है, नाम क्या है, किसके ऑनर में, भूमियाल देवता, ठीक है, ओके। और जनरली अप्रैल के आसपास टुवर्ड्स द एंड तो वहाँ पे मनाया जाता है उत्तराखंड में, ये वाली बात आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद जो जैसे एनवायरनमेंट ये वो टाइप सबकी ग्रेजुअली चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, कंटेम्प्रेरी होता जा रहा है, तो इसीलिए ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। देन जो यूपीएससी दो बार पूछ चुका है वो है छाओ, तो छाओ आपको पता है पर्टिकुलरली बिहार एंड उस रीजन में परफॉर्म किया जाता है, एंड इसमें किस कौन से एपिसोड पढ़ाए आपको जो छाओ डांस में, छाओ डांस जनरली जो होता है इट्स अ मास्क डांस, मास्क इसमें मास्क पहने जाते हैं, लेकिन अब ये इसमें मास्क पहन के किसकी किस जो महाभारत एंड रामायण, तो इन दोनों की जो बहुत सारे सीन्स को इनैक्ट किया जाता है, तो इसके तीन डिस्टिंक्ट टाइप हैं, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। एक का नाम है सरायकेला, पुरुलिया एंड मयूरभंज, जगहों के नाम ही है, तो उनके नाम पर ये पर्टिकुलरली जैसे सराय जो बोलते हैं सरायकेला एंड पुरुलिया वाले तो मास्क भी यूज करते हैं। तो छाओ डांस पहली बात है तो मास्क एंड महाभारत एंड रामायण को यूज करके उनके सीन्स को, एंड उसके बाद इसलिए ये किससे कनेक्टेड है, रीजनल फेस्टिवल से, और जो उसका जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल का नाम क्या रखा, चैत्र पर्व, तो चैत्र पर्व से जुड़ा हुआ है, आपको इसे पेपर में सवाल आया तो आपको आना चाहिए। एंड जो प्री में आया था सवाल वो क्या था, इसमें से कौन सा डांस जनरली मार्शल मतलब जैसे जो जुड़ा हुआ, जैसे आपके जूडो कराटे होते हैं दे आर मार्शल आर्ट्स, है ना, तो ऐसे ये भी मार्शल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ एक डांस है छाओ, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। देन एक और अपने पास है कालबेलिया, आपने देखा होगा ना जैसे जो राजस्थान में पर्टिकुलरली वो सफ़ेद और काले कपड़े पहन के और लोग जैसे वो होते हैं, बहुत ही फेमस तरह का एक अटायर है कालबेलिया, तो एंड ये पर्टिकुलरली ये क्या होते हैं, ये फोक सॉन्ग्स, इनके फोक सॉन्ग्स और डांसेस इतने फेमस हैं, आपको वहाँ भी सुनते हो, इवन कोक स्टूडियो में भी इनके गाने आते हैं, कहाँ पर, राजस्थान। तो कालबेलिया भी आपको प्री में पूछा जा चुका है, तो इसलिए बता रहा हूँ ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है इसको जितना जान लो उतना कम, इसमें से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एंड देन ये क्या पहले जो काल बेलिया है ना, तो ये स्नेक हैंडलर थे जो जो स्नेक को पर्टिकुलरली ये जैसे कंट्रोल करते थे स्नेक्स को, और लेकिन आज ये किसेंस इतने फेमस हो गए हैं तो ये म्यूजिक वगैरह में बहुत ज्यादा इनका अभी जो नाम है। एंड उसके बाद ये कौन सा एक जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, नाम क्या है, खंजरी, ठीक है, खंजरी जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर वो यूज करते हैं, एंड इवन की पुंगी का भी यूज किया गया, ठीक है। और इस बस छोटी छोटी चीज जानते रहो, जो ट्रेडिशनल टैटू डिजाइन, ज्वेलरी, गारमेंट्स पहनकर ही
ये एक एक पर्टिकुलर डिफरेंट तरह की एक लुक आती है, और उस लुक के कारण ही ये इंटेंजिबल कल्चर का पार्ट बन गए। और ये क्या डिसिमिनेट करते हैं, जैसे माइथोलॉजिकल नॉलेज, जैसे वो वाले जो स्टोरीज पुराने जमाने की चलती आ रही हैं, इवन होली के आसपास लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ये जो आके परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, तो और इवन के ऐसे भी माना जाता है कि नहीं, जब परफॉर्मेंस देते देते खुद को ही इम्प्रोवाइज कर देते हैं, जो गाना होता है उसको और बेटर कर देते हैं, सिचुएशन के हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज कर देते हैं, इसलिए इनका माना जाता है कालबेलिया का पोएटिक एक्यूमेन काफ़ी अच्छा है। ओके, देन मुदियेतु, मुदियेतु देखते हैं, और मुदियेतु इज ये रिचुअल थिएटर है, और जो एक तो थिएटर बात ध्यान करने वाली, ऐसी चीज़ों को मार्क कर लेकर गोला लगा लेकर ताकि आपको याद रहे, एंड एक ये डांस ड्रामा भी है। डांस ड्रामा कहाँ पर, केरला में, तो एक तो थिएटर डांस ड्रामा केरला का, एंड उसमें पर्टिकुलरली एक बैटल दिखाई गई है, जो जनरली बैटल दिखाते हैं किसकी, जो जो गॉडेस काली एंड जो डीमन का नाम क्या है दारिका, तो काली एंड दारिका के बीच का युद्ध दिखाया गया, एंड उसके बाद यहाँ पर जनरली एनुअली परफॉर्म किया जाता है, एंड इसका नाम क्या है भगवती कावुस। तो देखो ये टर्म्स आपको अगर जनरली बहुत ही ये हिंदीआइज एंड संस्कृताइज टर्म्स हैं, तो अगर आपको बस इनके बारे में, अगर आपको ये वर्ड ही भगवती भगवती जुड़ा हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं काली से, तो शायद रिकॉल होने की टेंडेंसी बढ़ जाए कि मुदियेतु किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड जनरली कौन से रिवर्स के आसपास ये होता है जहाँ पर ये फेमस है, जैसे एक तो चलाकुडी पुजा, पेरियार एंड मुवत्तु पुजा, तो इन रिवर्स के जो आसपास ही इसका कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड जनरली पूरी की पूरी कम्युनिटी इकट्ठे आती है, म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये परफॉर्म करते हैं। जैसे आप इवन कि आप उसमें देखते हो रामलीला में कितने सारे लोग बैठे होते हैं और पूरी कम्युनिटी इकट्ठी बैठी होती है, वहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही होती है। तो हम आठवां कवर करने वाले हैं, और ये आठवां है हमारा बुद्धिस्ट चैंटिंग। तो जो लद्दाख में जो बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी जो रह रही है उसके बारे में बात करते हैं, वो कैसे चैंटिंग वगैरह एंड क्या उसके बारे में जानते हैं, कहाँ पर रीजन है लद्दाख रीजन, एंड ये मॉनेस्ट्रीज में भी होता है, और ये जो बुद्धिस्ट जो लामाज या प्रीस्ट कहते हैं ये चैंट करते हैं, और जैसे वो जो पर्टिकुलरली इसके बारे में, जैसे इसके जो क्या जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की वगैरह उनके बारे में बात करते हैं, एंड इससे क्या का माना जाता है कि इससे एक तो प्यूरिफिकेशन होती है और एक पीस ऑफ माइंड भी आता है, एंड इसमें जनरली और एक और बात भी जो ऐड कर सकते हैं जो प्रिलिम्स में हमारी ऑप्शन बन सकती है, मुश्किल ऑप्शन बन जाएगी, कि इविल स्पिरिट्स को भी अपीज किया जाता है कि हमें तंग ना करें, एंड उसके बाद जो और इवन की बुद्धा और जो जो बौद्धिस्ट सत्वाज हैं और जो बाकी जो रिनपोचे जितने भी जो पुराने और हो गए जो बुद्धिज्म में जो इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनको याद किया जाता है। ये घर के अंदर बैठ के भी हो सकता है, मॉनेस्ट्रीज में डांस करते हुए हो सकता है, प्राइवेट हाउसेज में हो सकता है, और जनरली वर्ल्ड पीस की बात भी इसमें की जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है संकीर्तना, ठीक है। संकीर्तना आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्री में आ चुका है, और मणिपुर में ये प्रैक्टिस किया जाता है ना, और इसमें जनरली जैसे रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग वगैरह सब मिली हुई जो चलता है इसमें सब कुछ मिल बांट कर, एंड उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलरली जो वैष्णव कम्युनिटी है ये सवाल पूछा गया था, ये वैष्णव कम्युनिटी ऑफ मणिपुर ये प्लेन्स की है, ये बात और इतनी डिटेल है वैसे, लेकिन वैष्णव कम्युनिटी ऑफ मणिपुर वहाँ का ये फेमस एक हमारी आर्ट फॉर्म है संकीर्तना, एंड संकीर्तन बोलते हैं इसको, एंड उसके बाद ये लाइव्स एंड डीड्स ऑफ कृष्णा, तो उसके उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, एंड पर्टिकुलरली इवन जो वैष्णव जो लोग हैं जो वैष्णव पीपल हैं मणिपुर प्लेन्स के, उनके बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी जो कहानियाँ होती हैं, एंड ड्रमर्स हैं इसमें, सिंगर्स डांसर्स हैं, और इसमें इसके वैसे कहते हैं कि जो संकीर्तना के दो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं सोशल फंक्शन, एक तो लोगों को इकट्ठा करता है ये, और एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी को आपस में जोड़ता है, एक तो लोगों को जोड़ता है इंडिविजुअल को इंडिविजुअल से, और एक इंडिविजुअल को कम्युनिटी से, कि कम्युनिटी की वेरियस वैल्यूज पता लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये संकीर्तना एंड मणिपुर भूलना नहीं है। देन कम्स योर पंजाब के ठठेरा कम्युनिटी, ठठेरा कम्युनिटी यहाँ पर एक जगह है पंजाब में जंडियाला गुरु के पास ये पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है, और ये ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स, जो ब्रास के बर्तन एंड कॉपर के बर्तन हैं उनके मेकर्स हैं ये, और ये फैमिली में चलता है ये प्रोसेस, जितना जो मैन्युफैक्चरिंग का कैसे बनाने हैं बर्तन ये ओरली ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम फादर टू सन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ओरली ट्रांसफर हो रहा है, एंड उसके बाद जनरली सिर्फ ये लाइवलीहुड का तरीका नहीं है, ये समाज में क्या स्टेटस मिलेगा उसके वो भी ये डिसाइड करता है, जो फैमिली का किस तरह से स्ट्रक्चर है एंड जो स्किल लेवल वगैरह, ठीक है। तो ये बस आपने भूलना नहीं है ठठेराज ऑफ पंजाब, ठीक है, ये पूछा नहीं गया अभी तक, बहुत हाई लाइवलीहुड है पूछा जाए, एंड उसके बाद जो ब्रास एंड कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं बर्तन हैं उनके बारे में बात की जाती है, ओरली ट्रांसफर किया जाता है इसको पूरा जो जितना भी स्किल है, एंड देन कम्स योर योग, ठीक है। योग तो बहुत ही न्यूज़ में रहा, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, 2016 में ऐड हुआ है,
और यहाँ पर आपको पता है इसके बारे में, जैसे कि दूसरे योग से इससे जुड़ी हुई एक चीज़ पूछी गई थी, वो था सूफीज़म, कि योग एंड सूफीज़म, ये 2014 या 15 के प्री में सवाल था, और उसमें था जैसे जो 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 ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, चैंटिंग करना, ताकि सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, ठीक है, ऐसी सारी टेक्निक्स, एंड ट्रांसफर कैसे किया जाता है इसको नॉलेज को, गुरु शिष्य मॉडल, जो गुरु को समझा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, गुरु से शिष्य समझते हैं, ठीक है। आजकल के जो ज़माने में आपको पता है नई नई तरह के आश्रम वगैरह आ गए हैं, जहाँ पर आप सबको सीख सकते हैं योगा के प्रैक्टिसेस वगैरह, एंड उसके बाद लेकिन यहाँ पे योग के बारे में जानना थोड़ा सा और ज़रूरी क्या है यहाँ पर, कि जनरली ये माना गया कि योग ऋग्वेद में भी मैंशनड है, ठीक है, ऋग्वेद में भी योग का जो जिक्र है, और इवन कि जैसे जो योग सूत्र पतंजलि, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे है, जो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, एंड उसमें और ये इट हैपन टू बिकम क्या, जो हमने षड् दर्शन किया था ना फिलोसफी का, जो इंडियन फिलोसफी के जो 6 इंपॉर्टेंट स्कूल में से एक हमारा स्कूल था योग भी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और ये काफी संख्या स्कूल से काफी ये इसको क्लोज माना जाता है संख्या स्कूल से। देन हमारे पास आता है एक ही चीज है, इसका नाम है नवरोज। नवरोज के लेकिन नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, ये वाले सभी नाम यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, और ये बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया के अपार्ट बहुत सारी कंट्रीज में मनाया जाता है, एंड ये 2016 में ही ये इसको भी हमने इंक्लूड किया, यूनेस्को ने इसको इंक्लूड कर दिया, एंड ये इसका मतलब क्या है, न्यू ईयर। बहुत सारे लोग नव को 9 मान लेते हैं, नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट 9 डेज, इट इज़ अबाउट अ न्यू ईयर, नव इज न्यू, ऐसे मान सकते हो न्यू ईयर, ठीक है। 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च, ये कोई ऐसा नहीं है जैसे डेट्स वेरी नहीं करती, 21 मार्च ही है जो यूनेस्को ने जिसको रिकग्नाइज किया, और ये जैसे जनरली एक ईरान के कोई एक माइथोलॉजिकल किंग है जमशीद को याद किया जाता है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस, एंड जिन्होंने बहुत सारी जो जो पीस को बहुत बढ़ावा दिया, तो ये नाम पता हो तो अच्छी बात है। एंड बाकी यूनेस्को की साइड क्या बोलती है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन क्या है कि टेबल के आसपास लोग बैठते हैं और एक खास तरह की मील इंजॉय करते हैं, थोड़ा फैमिली वैल्यूज भी यहाँ पे बढ़ती हैं। तो नवरोज को मतलब क्या हुआ, न्यू डे, एंड 21st ऑफ मार्च को ये मनाया जाता है। देन लेटेस्ट हमारा जो ऐड हुआ, दैट इज कुंभ मेला। तो कुंभ मेला, कुंभ का मतलब क्या होता है, कुंभ, कभी सोचो बैठ के सोचा कभी कुंभ का मतलब क्या होता है, जो आपका घड़ा, घड़े को बोलते हैं, पिक्चर को बोलते हैं, एक सेक्रेड पिक्चर, जो कि आपको पता है, जो सारा इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में एक घटना, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो सेक्रेड पिक्चर की बात हो रही है यहां पर। और ये देखो, दुनिया का जो यूनेस्को बोलता है, ये लार्जेस्ट पीसफुल कांग्रेगेशन, सबसे बड़ी मीटिंग है ये पिलग्रिम्स की, पिलग्रिम्स की जो अर्थ पर, जो कि पीसफुल, जहां पे बिना किसी को ऐसे खास न्योता दिए बहुत सारे करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, एंड क्या करते हैं, दे बेद इन द गैंजेस, तो गंगा में स्नान करते हैं और अपने आप को पापों से मुक्ति दिलाते हैं, ऐसी बात मानी जाती है। एंड ये कहाँ पर होता है, ये जगहें पता होनी चाहिए हमें, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ठीक है, यहाँ पे होता है। एंड एग्जैक्टली 4 साल का वैसे टाइम ऐसा नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है, किसी किसी में जैसे टाइम 3 साल का भी होता है, लेकिन आप मान के चलो कि एक पर्टिकुलर, जैसे लेट्स से इलाहाबाद में कभी कुंभ हुआ, उसका अगला कुंभ इलाहाबाद में 12 साल बाद होगा। तो ये जो यहाँ पे है, जैसे अब जगहों के नाम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो हरिद्वार में कौन सी नदी बह रही है, गंगा, एंड जो इलाहाबाद में जहाँ पे कुंभ मेला लगेगा वो संगम है, संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती दिखते नहीं है अभी, लेकिन एक्सटिंक्ट मानी जाती है। तो ये 3 नदियां, नासिक में कौन सी है, गोदावरी, एंड उज्जैन में शिप्रा। तो ये नदियों के किनारे कुंभ मेले लगते हैं, तो ये आपने बात भूलनी नहीं बिल्कुल भी, नदियों के किनारे मैच करवा सकते हैं आपसे। और अभी जो कुंभ मेला की एग्जैक्ट डेट किससे, जो विक्रम संवत, जो कैलेंडर यूज किया जाता है उससे निकाली जाती है, जब जुपिटर, सन एंड मून, इनके हमारे जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से एग्जैक्ट डेट निकाली जाती है। जो नासिक और उज्जैन वाला जो कुंभ मेला होता है, इसमें जो सिंह राशि है लियो, जो सिंह राशि बोलते हैं इसको लियो, इसका भी खास जो यूज किया जाता है, इसलिए इसको सिंहस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो कुंभ है, कौन से वाला कुंभ, नासिक एंड उज्जैन वाला, इसको सिंहस्था भी कहते हैं। एंड हरिद्वार, इलाहाबाद वाले को अर्ध कुंभ भी लगते हैं यहां पर, हर 6 साल बाद यहां पर, जैसे अदरवाइज हरिद्वार में जैसे लेट्स से आज लगा तो अगला 12 साल बाद होगा, लेकिन इन बिटवीन 6 साल में भी एक अर्ध कुंभ भी लगता है, अर्ध कुंभ नामक एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। एंड महाकुंभ जो होगा, महाकुंभ वो 12x12 144 ईयर्स के बाद होगा, ठीक है। तो ये बात अभी आपने भूलनी नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं हमारे पास, कुंभ मेला, एंड ये सबसे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है जो यूनेस्को में नहीं दी हुई थी उसके बियॉन्ड। एंड कुंभ मेला के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से स्टार्स वगैरह से मिलती है, बहुत कौन सी नदियां, एंड उसके बाद नवरोज 2016 के एडिशन है, एंड उसके बाद योग 2016 के एडिशन है। इसके बारे में, योग के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं हमारे षड् दर्शन वाले वीडियो में, एंड देन ठठेरा कम्युनिटी ऑफ पंजाब, एंड उसके बाद संकीर्तन, एंड संकीर्तन कहां पर था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, मणिपुर में, मणिपुर, ठीक है। एंड
यहाँ पर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्विकली रिवाइज करो, ठीक है। मुदेतु थिएटर डांस ड्रामा केरला का एंड काली एंड दारिका की लड़ाई दिखाई गई, भगवती काबूस भी वर्ड जुड़ा हुआ यहाँ पर, एंड कालबेलिया स्नेक हैंडलर्स हैं, खंजरी टैटू डिजाइन एक्सेट्रा, एंड जो जनरली ये गाना बजाना अच्छा, एंड देन छाओ मास्क डांस है, एंड मार्शल आर्ट्स के बारे में बात हो रही है, तीन तरह की वैरायटी, चैत्र पर्व से जुड़ा हुआ, महाभारत और रामायण की बातें करते हैं, ऐसे रिवाइज करो, रमान याद होना शुरू हुआ कुछ कुछ गढ़वाल में, एंड भूमियाल देवता की बात हो रही है, रामलीला के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया है पहले ही, एंड देन जो ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग की बात हो रही है, एंड उसके बाद जो कुटियत्तम कहाँ पर जो हमारा केरला से चल रहा है, एंड इवन की जो जो ट्रेडिशनल जो परफॉर्म करते हैं थिएटर्स का नाम क्या होता है जो मंदिरों में एग्जिस्ट करते हैं, नाम होता है कुत्तम पालम्स। ओके, तो इसके बारे में रीड करते रहिए और जानते रहिए तो फायदा होगा आपको। ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट।